फ्यूचर प्रोग्राम यही है कि ये मेरी तीसरी फिल्म है। इस फिल्म को करने के बाद मैं कुछ समय के लिए अपने एक्टिंग पर अभी और करना चाहता हूँ। मैं अभी कुडियट्टम सीखने के लिए केरला जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। आपसे एक सवाल है कि आप जो कि संगीत टाइप इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और ये फिल्म द ड्रीम जॉब की कहानी कुछ बैंकरों के ऊपर आधारित है, इसके संगीत के पहलू के बारे में कुछ आप रोशनी ला सकते हैं? जी सर, बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग है। मैंने 7 गाने सुने हैं जो रिकॉर्ड हो चुके हैं और मुकेश जी ने खुद मुझे गाना सुनाया, मुझे बहुत पसंद आया, जो कि कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि बस गाना डाल दिया गया है कहानी पर, ऐसा नहीं है, वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और बहुत ही झूमने वाले और रोमांटिक सॉन्ग, बहुत सारे अच्छे अच्छे वैरायटी वाले गाने हैं। इस फिल्म द ड्रीम जॉब से आप क्या सोचते हैं कि समाज को आप क्या संदेश देंगे? सर, वैसे तो ये जवाब निर्देशक महोदय दें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरी तरफ से यही है कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो काफ़ी दिशाहीन हैं, तो उनको एक नई दिशा मिलती है कि हर तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को। बैंक में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके कई सफ़ेद और काले दोनों पहलू हैं, वो हमने दिखाया। जी सर, हमने जॉब किया है। मैं एक स्कूल में जब मैं थिएटर करता था तो मैं एक स्कूल में नोएडा में पढ़ाता था सर। माई ड्रीम जॉब इन द फिल्म, माई ड्रीम जॉब इज आई वॉन्ट मनी मनी एंड मनी। थैंक यू सर। हाय, आई एम साध्वी भट्ट, आई एम 23 ईयर्स ओल्ड और मैं बॉलीवुड प्लस थिएटर एंड बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ। एंड मैंने काफ़ी लाइक आई हैव डन लाइक लॉट ऑफ थिएटर प्लेज एंड ऑल। आई हैड अ ग्रुप ऑफ एंटिल जो मेरा अपना ग्रुप था एंड मैंने काफ़ी प्लेज किए हैं। आई हैव डन एड्स एंड ऑल, मैंने म्यूजिक वीडियोज़ किए हैं। आई वॉज इवन असिस्टिंग फॉर बेशरम, आई वॉज असिस्टिंग अभिनव कश्यप फॉर दैट एंड आई हैव बीन पिक्चराइजिंग वन सॉन्ग एज वेल। And this is something like my first and big project. I'm playing as one of lead in the film and I'm really excited about it and I'm just hoping for the best ki kuch ho jaye. Sari ji, aap abhi bata rahi thi ki aap assist kar chuki hain apne film ke saath, aur aap Mukesh Mishra ke saath bhi ek film ka dream job kar rahi hain as actress. ji ji, to aapka kya isme anubhav hai? Bahut bada anubhav hai obviously, because direction and I think acting is almost same, a kind of, I think an actor should know everything like about camera, about direction, about kya exactly hota hai, and that was only the reason I joined him as an assistant, because I am an actress and I always wanted to be an actress. And Rahasawan Mukesh Mishra ji, I think he is so young and he is so न्यू गाय एंड हम सब लोग आई मीन नए हैं और एक अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है कि हम लोग मिलजुल के एक बड़ी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। मतलब आई एम नॉट फाइंडिंग एनी डिफरेंस बिकॉज दैट वॉज समथिंग बिग प्रोजेक्ट, दिस इज ऑल्सो बिग प्रोजेक्ट, बट आई एम नॉट फाइंडिंग एनी डिफरेंस, इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेम। माई ड्रीम जॉब इज टू बी टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेस, दैट्स वॉट। ऑब्वियसली बहुत कुछ, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी बड़ा कैरेक्टर एज पिंकी कोटुगी आई एम प्लेइंग इन द फिल्म, और मुझे काफ़ी एक बड़ा